तो तुम जैसा तुम जानते हो मार्केट में बहुत सारे ऐसे एनिमे आ चुके हैं जो कि भड़काल मचा कर रखे हैं। उसी एनिमे के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मुझे पता है तुमने इसमें से बहुत सारे एनिमे देख भी लिए होंगे, लेकिन तुम ये वीडियो देख के जाना क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और ये एनिमे किसी बंदे ने देखा नहीं होगा तो उस बंदे को जरूर से एनिमे ट्राई करना चाहिए, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, एकदम बढ़िया एनिमे होने वाले ही है। इसलिए आज की वीडियो हम जान लें टॉप 7 पॉपुलर एनिमेस के बारे में। लेकिन ये टॉप 7 पॉपुलर एनिमे के नाम जानने से पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हो ग्रेट रोल ऑफ थंडर एनिमे थंडर। तो नंबर 7 पे आता है द रॉन्ग वे यूज हीलिंग मैजिक एनिमे। तो इस एनिमे का जो अपना मेन कैरेक्टर है वो अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है अपने दो दोस्तों के साथ। और इन तीनों का जॉनर अलग होता है, यानी कि तीनों की पावर अलग अलग होती है। एक का पावर होता है लाइटनिंग, दूसरे का पावर होता है थंडर और तीसरे का पावर होता है हीलिंग, यानी कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका पावर होता है हीलिंग। और इसी वर्ल्ड में एक टीचर रहती है जिनका पावर होता है हीलिंग मैजिक और वो ज्यादा पावरफुल रहती है। यही टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग देती है हीलिंग मैजिक के बारे में बताती है, तभी ये पावरफुल इतना बनता है और मॉन्स्टरों से फाइट करके इस वर्ल्ड को बचाता है। तो हमारा नंबर 2 पे जो एनिमे आता है उस एनिमे का नाम है द आइस ब्लेड सॉर्सरर। तो इस एनिमे का जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो बहुत बड़ा आइस ब्लेड सॉर्सरर रहता है। ये आइस ब्लेड सॉर्सरर अपने जादू से आइस के यानी कि बर्फ के तलवार बना सकता है और उनमें हवा में फ्लाई करके उनसे मॉन्स्टर्स या फिर डीमंस को मार सकता है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए इस एनिमे को। तो हमारा 5th नंबर पे जो एनिमे आता है उस एनिमे का नाम है द रिक्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोरसिज्म इन द अनदर वर्ल्ड। तो ये एनिमे बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है एक एक डीमन किंग रहता है जो कि पिछले जन्म में बहुत सारे कांड किए रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को मारा रहता है और रुलाया रहता है। इसलिए वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए फिर से एक नए दुनिया में जन्म लेता है एकदम छोटे से बच्चे के रूप में। पर इसका अलग ही लेवल की पावर है, ये लोगों को जिंदा कर सकता है या फिर कौन से भी डीमन या फिर कौन से भी राक्षस को बुला सकता है। असल में इसके पास गॉड लेवल डीमन की पावर है। तो हमारा नंबर 4 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है दी डेली लाइफ इमोर्टल किंग सीजन 4। तो इस एनिमे जो अपना मेन कैरेक्टर है वो गॉड लेवल की पावर रखता है अपने पास, वो चाहे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर बना सकता है। और तुम्हें बता दो इस एनिमे को 1, 2, 3 सीजन ये हिंदी डब पहले ही हो चुके हैं, तुम जाकर क्रंचीरोल के ऊपर देख सकते हो। और इसका सीजन 4 अभी हिंदी डब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनिमे, तुम्हें ये देखना चाहिए। तो हम जानते हैं नंबर 3 एनिमे के बारे में। तो नंबर 3 पर जो एनिमे है उसका नाम है काइजू नंबर 8। काइजू का मतलब होता है दानव यानी कि राक्षस डीमंस। इसमें का जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है एक सफाई कर्मी रहता है, एक दिन उसे अचानक से काइजू की ताकत मिल जाती है और इसी की काइजू की ताकत इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर को मार के अपनी दुनिया को बचाता है। ये एनिमे अभी अभी नया है, इसने बहुत ज्यादा काल मचा कर रखा है। इसके 6 या 7 एपिसोड हिंदी डब में है, तुम जाके देख सकते हो क्रंचीरोल के ऊपर। तो हमारा नंबर 2 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है सोलो लेवलिंग। तुम इसका नाम जानते ही होगे, कितना ज्यादा फेमस एनिमे है ये, इसका मांगा तो और भी ज्यादा फेमस है। तो तुम जैसा तुम जानते हो इसमें का जो मेन कैरेक्टर है संजिंगबू वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने पास बहुत सारे गेम लेवल की पावर रखता है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना, स्पीड और बहुत सारे शैडो सोल्जर्स की पावर है, इससे बहुत बड़ी सेना को आराम से खत्म कर सकता है। इसी तरह ये बहुत सारे पोर्टल्स में बहुत अलग अलग दुनिया में जाके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है। और तुम्हें बता दो संजीव को शुरुआत में बिल्कुल भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कमजोरी आखिर में ताकतवर बनता है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे चीजें झेली होती है जिससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसके सारे 12 एपिसोड हिंदी डब में है, वो भी तुम जाकर देख सकते हो क्रंची रोल के ऊपर। तो जो हमारे नंबर 1 पे जो एनिमे आने वाले है वो 2 एनिमे होने वाले हैं। फर्स्ट एनिमे होने वाले रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 1। और मैं तुम्हें बता दूं सीजन 1 क्यों, क्योंकि सीजन 1 पहले हिंदी डब नहीं था, अभी हिंदी डब है, तुम जाकर देख सकते हो क्रंची रोल के ऊपर। पहले इसका सीजन 2 और 3 में डब था, पर अभी इसने क्रंची रोल ने सीजन 1 डब किया है। तो तुम जाके देख सकते हो रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 1। और मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, तुम जाके इस एनिमे को एंजॉय करो। और तुमने रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 1 देख लिया तो तुम देख सकते हो होकाइडो गर्ल्स आर वेरी ऑर्डरेबल। इस एनिमे में हर काल मचा दिया है, रोमांटिक एनिमे ये बहुत ज्यादा बढ़िया एनिमे, तुम्हें जल्द से जल्द ट्राई करना चाहिए। अगर तुमने देखा तो बढ़िया, तुमने नहीं देखा तो तुम देख सकते हो क्रंची रोल के ऊपर। हिंदी डब इसके 12 एपिसोड है, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए ट्राई करना जरूर से। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तुम्हें जानना टॉप 10 रोमांटिक एनिमे के बारे में तो तुम राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके तुम जान सकते हो। और तुम्हें एनिमे के बहुत सारे एक्सेसरीज, टी शर्ट या फिर हुडीज पसंद है तो तुम मेरे वेबसाइट पे जाके वहां से तुम कुछ भी चीजें परचेस कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन, जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना। और मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।